Now in this class, we discuss about the power dissipation in the amplifiers. As we know that we want to design a power amplifier, and power amplifiers के अंदर हमारा main concern होता है कि हम कैसे maximum to maximum output power achieve करें. So output power जो हम achieve करते हैं, उसका main source होता है हमारे पास में the VCC. So VCC जो हमारी power supply है, उस VCC power supply का कैसे मैं maximum to maximum पावर जो है आपके आउटपुट में यानी कि VCEQ के आसपास में लेके आऊं, ये हमारी पावर डिजाइनिंग टेक्निक्स में यूज होता है. सो हम देखते हैं कि कितनी तरह की पावर्स जो हैं इसमें यूज्ड होती हैं, कितना पावर वेस्ट होता है और कितना पावर यूटिलाइज होता है. सो द मेन कंसर्न इज ओनली ऑन द आउटपुट सर्किट जहां पर RC और RE यूज किया गया है. जनरली RE हम यूज करते हैं अपना मेनली टू प्रोवाइड द स्टेबिलिटी. सो इफ द सर्किट इज बायस्ड एट द सेंटर ऑफ द Q पॉइंट, तो वहां पर मेरा जो करंट है ICQ और VCEQ है, सपोज करते हैं, तो जो मैं आउटपुट इक्वेशन किसका लिखूं, देन इट इज द VCC माइनस ICQ RC माइनस VCEQ माइनस ICQ RE. So, यहां मैंने assume किया है कि आपका IE और IC is nearly equal to be same अगर होता है हमारा. So, this is the main equation जहां पर हम focus करते हैं. अब अगर अपने ध्यान से हम देखते हैं तो कितनी power मेरे पास power supply से आ रही है. So, the main हमारा जो power input है total इस circuit के लिए, वो मेरा input power है VCC into ICQ. So this is the main power जो कि हम किसी भी power supply से use कर रहे हैं circuit की designing के लिए. Now इसके बाद में कितनी power transistor use कर रहा है as an output. So as an output अगर मैं बात करूं कि जो मेरी output power है जो मैं use कर रहा हूं, इसमें हमारा DC out power जो transistor के अंदर जा रही है, या फिर उसको बोले कि पावर जो ट्रांजिस्टर के पास यूज हो रही है, पीटीआर जो ट्रांजिस्टर यूज कर रहा है, इट यूज वीसीईक्यू आईसीक्यू. रेस्ट ऑफ पावर मेरी वेस्ट हो रही है क्योंकि ट्रांजिस्टर इतनी पावर यूज कर रहा है, बाकी पावर जो है मेरी वेस्ट हो रही है. सो जो पावर वेस्ट है मेरा, दिस इज पी इन माइनस पी टी आर. सो इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट दिस टर्म, दिस इज इनपुट पावर वीसीसी आईसीक्यू माइनस पी टी आर वीसीईक्यू डॉट आईसीक्यू. नाउ in this term, if I put the expression of VCEQ from this expression, so आपका VCEQ क्या हो जाएगा अगर मैं इस VCEQ की term यहां पर लेके जाता हूं, so this is VCEQ. So इस term को मैं यहां use कर लेता हूं, VCC ICQ minus VCC ICQ plus ICQ square RC plus ICQ square RE. So these terms are cancelled. So जो आपका main जो power waste हो रहा है, वो हो रहा है this amount. So if you see careful the expression, ये आपके डेरिवेशनल पॉइंट से या एग्जाम में के पॉइंट से को इंपॉर्टेंट है, आपको ड्राइव करके दिखाना पड़ता है जब भी आप पावर एम्पलीफायर्स की बात करते हैं, या आपके पास शॉर्ट नोट्स के लिखने के लिए आता है, आपको ये आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द पावर एम्पलीफायर या पावर डिसिपेशन फैक्टर्स कौन कौन से आपके होते हैं. सो इफ यू कंसर्न ऑन दिस, दे आर ओनली टू पैरामीटर्स जिसकी वजह से हमारी पावर वेस्ट हो रही है, वन इज द आर सी एंड वन इज द आर ई. आर ई जो है वो हम यूज
करते हैं मेनली ड्यू टू प्रोवाइड द स्टेबिलिटी, एंड इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते या फिर इसको हम रिमूव नहीं करते। अगर इसको हम रिमूव करेंगे तो हमारी सर्किट की स्टेबिलिटी खराब होती है, मिनिमम स्टेबिलिटी, हमारा क्यू पॉइंट चेंज हो जाएगा कि सेंटर में नहीं रहेगा। इसमें इसको स्टेबल करने के लिए हम आरई को प्रोवाइड करते हैं। बट द इफ यू सी द मैग्नीट्यूड और द वैल्यूज ऑफ आर सी एंड आर ई, तो जो हमारा आर ई होता है ये काफी छोटा होता है इन कंपेरिजन टू आर सी। सो हम आर ई पे इतना फोकस नहीं करते हैं डिजाइनिंग के लिए। आवर द मेन फोकस इज आर सी की, आर सी की वैल्यू को कैसे कम करें या फिर उसको कैसे हटा सकते हैं। सो मेन पावर एम्पलीफायर डिजाइनिंग जो आपकी रहेगी वो इस चीज पे रहेगी कि क्या हम आर सी की वैल्यू को कम लेते हैं या फिर उसको हम हटा सकते हैं। तो यहाँ पर इस डिपेंडिंग अपॉन दिस वी हैव अ टू टाइप्स ऑफ पावर एम्पलीफायर्स। एक आपका होता है जिसमें आर सी यूज होता है, और एक होता है जिसमें आर सी की जगह आपका ट्रांसफॉर्मर आप यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मर, सो वी हैव अ ट्रांसफॉर्मर कपल्ड पावर एम्पलीफायर, वी हैव आर सी एम्पलीफायर्स। सो ये आपका मेन फॉर्मूला है जिसको आपको एग्जाम पॉइंट से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वी विल सी कि हम इसमें और कौन कौन से हमारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होते हैं। नाउ एज वी सी कि हमारा जो मेन कंसर्न रहता है वो हमारा रहता है कि आर सी के अक्रॉस जो पावर ड्रॉप हो रही है उसको हम कैसे कम करें। सो विद द मेन कंसंट्रेशन द पावर ड्रॉप अक्रॉस द आर सी। सो मेन जो पावर इनपुट आ रही है सर्किट के अंदर पी इन डी सी, ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक आपका जो आर सी के अक्रॉस वोल्ट पावर ड्रॉप हो रही है, दूसरा आपका जो ट्रांजिस्टर के अंदर आपकी पावर ड्रॉप हो रही है। अगेन जो ट्रांजिस्टर आपकी पावर ले रहा है डीसी पावर, वो डीसी पावर भी आपकी अगेन दो पार्ट में डिवाइड होती है। सो ये दो पार्ट्स कौन से हैं? एक जो भी इसमें हीट की फॉर्म में डेसिपेट हो जाती है कलेक्टर के ऊपर, क्योंकि इसमें लार्ज करंट से डील कर रहा होता है तो इसमें हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होते हैं, तो जो पावर ट्रांजिस्टर के पास आ रही है उसका काफी बड़ा पोर्शन जो है एज अ फॉर्म ऑफ हीट डेसिपेट हो जाता है, और इसमें से एक आउटपुट पावर की टर्म में एसी पावर आपको मिलती है। सो अगर आप यहां से देखें, दिस इज ऑल्सो डीसी पावर, डीसी पावर, डीसी पावर, डीसी पावर, एंड दिस इज द एसी पावर। और जो पी आउट एसी जो हमने लिखा है, यही एक वो पावर है जो हमें एक आउटपुट की फॉर्म में यहां पर हमें मिलती है। सो पी इन डीसी आप सर्किट से ले रहे हैं, पी आउट एसी आपको आउटपुट में मिल रहा होता है। सो एफिशिएंसी एक पैरामीटर इसमें आती है मैथमेटिकल, जिसको न्यूमेरिकल या डायरेक्शनल फॉर्म में भी देखते हैं। तो इसमें एक टर्म डिफाइन करते हैं एफिशिएंसी नीटा की फॉर्म में। सो कलेक्टर एफिशिएंसी, इफ वी ट्राइड एज सी, इट मींस द कलेक्टर एफिशिएंसी। कलेक्टर एफिशिएंसी आपको ये बताता है कि ट्रांजिस्टर जो यूज किया जा रहा है इस पावर एम्पलीफायर में, वो ट्रांजिस्टर की कितनी कैपेबिलिटी है कि वो कितना डीसी पावर ट्रांजिस्टर कंज्यूम कर रहा है और कितना उसमें एसी में कन्वर्ट कर रहा है। सो इट इज डिफाइंड एज पी आउट एसी पीटीआर डीसी। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अनदर एफिशिएंसी फैक्टर जिसको बोलते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी फैक्टर। इसमें ओ लिखा होता है या फिर सिंपल वी कैन राइट इट फॉर्म ऑफ नीटा, नहीं लिखा हो। सो ओवरऑल एफिशिएंसी ये बताता है आपको कि पूरे सर्किट ने कितनी पावर यूज करी और कितना आउटपुट में आपको जनरेट किया। सो एनसी इज द एफिशिएंसी फैक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर ओनली, वेयर एंड नीटा ये जो आपका है थ्रू आउट ओवरऑल जो एफिशिएंसी है ये आपका पूरे सर्किट की एफिशिएंसी बताता है। सो इन दिस केस पी आउट एसी, न्यूमेरेटर टर्म आपकी सेम है और यहां पर आपका आता है पी टी आर, सॉरी पी इन डीसी, पी इन डीसी। अब यहां पर आपको जो बात याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल और इन टर्म्स ऑफ डेरिवेशन वो ये कि यहां पर सिर्फ एक टर्म को छोड़ करके बाकी सारी टर्म्स डीसी हैं। सो एक टर्म एसी है, तो जब भी आप पी आउट एसी की बात करेंगे और यहां पर जो वोल्टेजेस और करंट के साथ आप डील करेंगे वो हमेशा आरएमएस वैल्यू होनी चाहिए आपकी। सो आरएमएस वैल्यूज यूज करेंगे, जो डीसी है वहां पर नहीं करेंगे। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ यहां पर मैंने लोड लाइन बनाई। लोड लाइन क्यों बनाई है कि अभी हम देखेंगे
कि जो पावर एम्पलीफायर्स है इसकी जो क्लासिफिकेशन होती है कि पावर एम्पलीफायर्स कितने हैं या उसकी एफिशिएंसी कितनी है, किसमें ज्यादा है किसमें कम है, ये डिपेंड करता है आपकी क्यू पॉइंट की पोजीशन के ऊपर। इसलिए मैं हर सर्किट में इसमें क्यू पॉइंट साथ में बनाता आ रहा हूं। अभी जो है मेरा क्यू पॉइंट सेंटर में है, सेंटर मतलब ये आपको इक्वली एम्पलीफिकेशन देगा। सो आफ्टर दिस लेक्चर वी विल सी कि क्यों कैसे डिपेंडिंग अपॉन द क्यू पॉइंट हम क्लासिफिकेशन करते हैं अपने पावर एम्पलीफायर्स का। उससे पहले हम इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे जो कि हमें ये बताएगा कि आपका नीटा का हम न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे। सो पीटीआर एंड पीडीसी इसका हम एक्सप्रेशन देख ही चुके हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ पी नॉट एसी। सो पी नॉट एसी जो कि आपकी आपकी एसी पावर है, सो पावर इज वोल्टेज इनटू करंट एंड वी विल राइट हियर वी आरएमएस इनटू आई आरएमएस, ये लिखेंगे। और जो वी आरएमएस और जो आई आरएमएस है बेसिकली ये क्यू पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, क्यू पॉइंट्स के, क्योंकि ट्रांजिस्टर क्रॉस यही ड्रॉप होगा। सो आई कैन राइट इट कन्वर्ट बाय वी max q by root 2, max q by root 2. Now आप इसमें ध्यान से देखेंगे, because when we have a q point in center, तो जो हमारी ये value होगी जब यहां पर AC signal आएगा, it will start swing, ये swing करेगा इन दो points के बीच में, maximum यहां से लेकर के यहां तक। सिमिलरली जो वोल्टेज होगी ये स्विंग करेगी आपकी इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक। सो वी राइट दिस एक्सप्रेशन एज 1 बाय रूट 2 वी मैक्स माइनस वी मिन, हम इसको पीक टू पीक ले रहे हैं। एंड सिमिलरली आई मैक्स I mean divided by 2. Now 2 और आपका एक 1 by root 2 करंट के लिए। सो आपका जो P out AC का एक्सप्रेशन आता है ये आपका जाता है V max minus V min I max I min divided by 8। ये मैंने बहुत सिंपल फॉर्म में लिखा है, मैं इसको आगे और ज्यादा सॉल्व नहीं करूंगा। अगर आप इसको इसी फॉर्म तक इसी पॉइंट तक याद रखेंगे तो आपके लिए न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगी, क्योंकि हमें सिंपल इसमें यह देखना होता है कि व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ वोल्टेज एंड व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ करंट, कि आपका जो वोल्टेज है वो का मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट क्या है और आपकी करंट का मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट क्या है। सो इफ आई वांट टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ ओवरऑल एफिशिएंसी जो आपका होता है पी आउट एसी बाय पी इन डीसी, तो आप इसको सिंपल देख सकते हैं, ये होगा दिस एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय पी इन डीसी। और पी इन डीसी हमारा क्या होता है, पी इन डीसी के लिए इसको आप लिखेंगे वी मैक्स माइनस वी मिन आई मैक्स माइनस आई मिन डिवाइडेड बाय 8, ये हो गया पी ऑफ एसी। एंड पी इन डीसी इज सिंपली VCC into ICQ, और यहां पर जो आपका ICQ है देख सकते हैं this is IC by 2। So इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। So this is about the expression. Now we see what is the classification of the power amplifier depending upon the Q point. Classification मतलब कितने तरह के power amplifiers हमारे होते हैं।
Now, classifications of power amplifier. Basically, classification जो है वो depend करती है आपकी load line के ऊपर. तो सबसे first जो इसमें classification आती है वो आता है आपका class A amplifier. Class A amplifiers क्या होते हैं? Class A amplifiers ये वो amplifiers हैं जिसके अंदर आपकी जो load line में जो Q point होता है वो बिल्कुल center पे होता है. That means this is a load line, आपने design किया है तो Q point center पे होगा. This is IC by 2, VCC by 2, this is Q point. Now उसका significance क्या है? वो ध्यान से देखिए. अगर आपका load line center पर है, तो इस case के अंदर अगर आप कोई भी sine wave as an input दे रहे हैं, किसी भी एम्पलीफायर के अंदर अगर आपने यहां पर एक साइन वेव इनपुट दी है तो साइन वेव की पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल दोनों इक्वली एम्पलीफाई होंगी क्योंकि आप इनिशियली आपका जो करंट है वो यहां पर है और जब आप इसको एम्पलीफाई करेंगे तो ये मैक्सिमम यहां तक जा सकता है करंट, मिनिमम करंट यहां से आ सकता है. तो ये नेगेटिव साइकिल और पॉजिटिव साइकिल दोनों के अंदर इसका एम्पलीट्यूड सेम होगा, इक्वली एम्पलीफाई करेगा. इसे बोलते हैं क्लास ए एम्पलीफायर. So, it conduct 360 degree. The meaning of 360 degree, ये sine wave जो भी input में आएगी, इसको completely conduct करेगा. यानि कि जो हम अभी तक voltage amplifiers पढ़ते आ रहे थे, उस Q point center पर रखते थे, that means we want to design a class A amplifiers. Class A amplifier की सबसे बड़ा advantage है 360 degree की conduction. Now, इसके अलावा क्या होता है? Next आपका होता है class B amplifier. Class B amplifiers क्या होते हैं? Class B amplifiers के अंदर जो Q point होता है center में नहीं होता है, ये Q point आपका यहां पे आ जाता है, इस जगह पे. So अब change क्या होगा? तो ये Q point आपका यहां पर आ गया है, तो this is your maximum voltage. इससे ज्यादा voltage आपके transistor में नहीं आ सकती है. So आपका जो maximum swing होगा वो ये है और मिनिमम स्विंग भी आपका ये, और आप यहीं पर ही, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक साइकिल को एम्पलीफाई कर सकता है क्योंकि ये मिनिमम करंट है. इससे ज्यादा करंट आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे पावर सप्लाई के अंदर, यानी कि आपकी एक साइकिल आपको आउटपुट में शो नहीं होगी. यानी कि इसके अंदर 180 डिग्री की आपकी कंडक्शन होती है, 180 डिग्री को ये एम्पलीफाई करेगा. फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ, जहां पर पहले आपकी क्लास ए एम्पलीफायर में एक पर्टिकुलर पॉजिटिव या एक पर्टिकुलर साइकिल को सिर्फ इतना गेन मिल रहा था, वहीं पर ही उस पर्टिकुलर साइकिल का गेन बढ़ के इंक्रीज होके इतना हो गया है. यानी कि एक पर्टिकुलर हाफ को ये ज्यादा एम्पलीफाई करता है. बट इसमें ड्रॉबैक क्या हुआ? ड्रॉबैक हुआ आपका डिस्टॉर्शन, कि आपका आधा साइकिल तो डिस्टॉर्टेड हो गया, आउटपुट में आए ही नहीं. सो दिस इज द मेन कंसर्न कि जैसे जैसे आप पावर एम्पलीफायर की ग्रेडिंग इंक्रीज करते हैं क्लास ए से क्लास बी में, आपका जो है सिग्नल की डिस्टॉर्शन भी उतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है. सो क्लास ए एम्पलीफायर वो होते हैं जिसमें 360 डिग्री कंडक्शन होता है, डिस्टॉर्शन जीरो होती है. क्लास बी एम्पलीफायर वो होते हैं जिसमें कंडक्शन होती है 180 डिग्री, बट इसमें डिस्टॉर्शन ज्यादा होती है. सिमिलरली वी ऑल्सो हैव अ क्लास सी एम्पलीफायर. क्लास सी एम्पलीफायर वो होते हैं जिसमें कंडक्शन आपकी 180 डिग्री से भी लेस होती है, लेस देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से भी कम. सो इट इज नियरली वी कैन से 90 डिग्री या इसके आसपास में होती है. अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव ऑल्सो हैव क्लास ए बी एम्पलीफायर. क्लास ए बी एम्पलीफायर ये वो एम्पलीफायर्स होते हैं जिसके अंदर आपकी जो क्यू पॉइंट होता है वो सेंटर में नहीं होता बट यहां पर कहीं होता है. यानी कि वो कहीं ना कहीं 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच की कंडक्शन करते हैं. सो दिस इज थ्योरेटिकल कि आपकी किस तरह से क्लासिफिकेशन होती है. अब जानते हैं कि आपको कितने तरह के आपके सिलेबस के अंदर पावर एम्पलीफायर है और आपको उसको किस तरह से पढ़ना है. तो मेनली इसमें फोकस जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो क्लास ए और क्लास बी के ऊपर होता है. तो क्लास ए एम्पलीफायर्स के अंदर
क्लास ए एम्पलीफायर में आपको जो पढ़ने हैं वो सबसे बेसिक है एक नॉर्मल क्लास ए एम्पलीफायर जिसमें आपका रेजिस्टेंस यूज होता है. सो एक आप पढ़ेंगे नॉर्मल क्लास ए एम्पलीफायर. इसमें आपको करना क्या है, इसकी एफिशिएंसी फाइंड करनी है, कलेक्टर एफिशिएंसी जो हमने अभी ड्राइव किया था. फिर आपका आएगा ट्रांसफार्मर कपल क्लास ए एम्पलीफायर. ट्रांसफार्मर कपल, तो ट्रांसफार्मर कपलिंग के अंदर क्या होगा, यहां पर आपका आरसी यूज करते हैं, यहां पर आरसी की जगह आप यहां पर एक ट्रांसफार्मर यूज करेंगे और फिर आप उसकी एफिशिएंसी निकालेंगे. थर्ड आपको पढ़ना है इसके अंदर पुश पुल एम्पलीफायर, पुश पुल क्लास ए. ये तीन आपके क्लास ए एम्पलीफायर आ जाते हैं. उसके बाद में आपके आ जाएगा क्लास बी एम्पलीफायर. क्लास बी एम्पलीफायर और क्लास बी एम्पलीफायर में आपने क्या पढ़ना है, आपने पढ़ना है नॉर्मल क्लास बी एम्पलीफायर और फिर आप इसे पढ़ेंगे पुश पुल क्लास. पुश पुल क्लास बी एम्पलीफायर. सो दिस इज इन योर सिलेबस. सो नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे लेक्चर्स में कि हम क्लास ए एम्पलीफायर सॉल्व करेंगे और क्लास बी एम्पलीफायर को हम सॉल्व करके इसकी एफिशिएंसी के पैरामीटर्स फैक्टर्स निकालेंगे.